हैप्पी रिपब्लिक डे। साहब मैं ईडीएफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी बड़ा हूँ क्या आपके तरह अच्छा पुलिस वाला बनूंगा? जरूर बनोगे, बस नाइट स्कूल जाओ और मन लगा के पढ़ाई करो। साहब जाऊंगा पर थोड़ा पैसे कमा कर फिर आपके तरह बड़ा पुलिस वाला बनूंगा। ये लो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। ये वो नया वाला मॉडल है ना, इससे फोटो भी खींचता है ना, मेरी खींचोगे? इसको रखना है साहब, एक दिन मैं भी ऐसा यूनिफॉर्म पहन के आपके साथ बड़ा गाड़ी में बैठेगा और ये फोटो से मैं आप सबको याद रहेगा। ये चोट कैसे लगी बेटा? नहीं साहब कुछ नहीं, मैं जाऊं साहब। बताओ कोई परेशानी है तो। साहब मुझे जाने का है साहब। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, गणतंत्र दिवस पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे गर्व है आप सब ऑफिसर्स और जवानों पर जो इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से अपनी ड्यूटी करते हैं। साहस और वीरता के हजारों रंग होते हैं पर सबसे गहरा रंग उस साहस का होता है जो इंसान दूसरों के लिए दिखाता है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। इस गणतंत्र दिवस पे हम ऐसे ही कुछ बहादुर ऑफिसर्स और जवानों का सम्मान करेंगे जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। दे मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ईटीएफ की बहादुर ऑफिसर रिया मुखर्जी इस शहर को एक घातक जैविक हमले से बचाते हुए 27 अक्टूबर को शहीद हो गए। मैं बुलाना चाहूंगा रिया की मां श्रीमती शुभा मुखर्जी को। विसर्जन का सातवां दिन है और जोड़ों के लिए उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। मैं भी मेरी रूबी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोलता हूं। क्या मेरी रूबी? अब सीक्रेट बाहर आ गया ना तुम्हारा? मेरी रूबी मेरी पेट पोमेरियन है। साइज देख के लगता नहीं तुम्हारा कि इतना सॉफ्ट साइज भी है। छोटू ईटीएफ के बगैर हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है राइट? ओह या। अब अर्जुन सर की तरह नहीं कि हम भी अकेले जिए राइट? मिशन पूरा कर लिया।
और अब मैं बुलाना चाहूंगा कांस्टेबल लोखंडे की बेटी को। कांस्टेबल लोखंडे शहर के पेट्रोल माफिया की तहकीकात करते करते शहीद हो गए। हमारे बाबा को वीरता का पुरस्कार मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट उनके इस बलिदान को स्वीकार भी करेगी और उन्हें सम्मानित भी। पीछा कर रहे हैं। मेरे दोस्त बबलू को भी मार डाला। घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। कौन पीछा कर रहा है? करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बता। ए, रोक। राजू, राजू, सिंह, चेक करो कि पिछले 24 घंटे में किसी भी सड़क के बच्चे की मौत हुई। ये चोट कैसे लगी बेटा? नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं जाऊं साहब। बहुत ही बुरा वक्त आ गया सर। आए दिन छोटे छोटे बच्चों की लापता लाशें यहां वहां पड़ी हुई मिल जाती है। फुटपाथ पे रहने वाले और खास करके सड़क के किनारे बच्चों की तादाद इतनी बढ़ती जाती है कि कभी कभी इनका नाम पता करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए सर, सर एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए सर, इस बच्चे की लाश आज सुबह ही मिली, कल रात शायद इसकी मौत हुई। और इसकी मौत कैसे हुई? सर इस लाश का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करवाया था, उससे ये पता लगा है कि ग्लू स्निफिंग, गोंद सूंघने के ओवरडोज के कारण ये मर गया। और इसके बाद इसके बारे में आपने कुछ पता नहीं लगाया? क्या पता लगा है सर, ये सड़क के बच्चों में बहुत ही गंदी आदतें और बुरी लत होती है। ग्लू स्निफिंग तो इन लोगों के लिए आम बात है, कई तो इसमें मर भी जाते। निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी में आपने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी की है इंस्पेक्टर। ग्लू स्निफिंग के एडिक्ट के शरीर पे कुछ निशान होते हैं, चेहरे के आसपास की त्वचा फटी होती, फोटो के पास फोड़े होते, नाखून पे स्याही के धब्बे। मैंने इन सड़क के बच्चों को बहुत नजदीक से देखा और इस बच्चे के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सर, इंस्पेक्टर, गोंद सूंघने वाले के शरीर पे ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन सर ये मौत तो ग्लू स्निफिंग की ओवरडोज की वजह से हुई है, जानता हूं, लेकिन वो सब इसने खुद नहीं लिया। इसके गर्दन पे और बांह पे जो निशान है उसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर ऐसे बच्चे तो अक्सर लड़ाई झगड़े में पड़ते ही रहते हैं, मुझे लगा कि लगा बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना सबूत पे ध्यान दिए कैसे लगा आपको? अगर ये बच्चे आपको किसी सड़क पे मिलते हैं तो चल हट के परे कर देते हो इन्हें। अगर इनके जीते जी इनके साथ इंसाफ नहीं कर सके, कम से कम इनकी मौत के बाद तो करो, क्योंकि ये बच्चा किसी अमीर खानदान का नहीं है। कोई भी कारण डाल के टाल दोगे, तुम जैसे ऑफिसर्स के ऐसे रवैये की वजह से एक बेचारा छोटा सा मासूम बच्चा आज पुलिस से मदद मांगने से डर। जिंदगी की अहमियत गरीबी और अमीरी से कहीं ऊपर होती है इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी सर। अब तो आपको याद आ ही गया होगा ना इंस्पेक्टर, कि ये बच्चा कहां से मिला? सर पीटी पार्क के पास ही, लेकिन सर कि
किसकी लाश है पता नहीं। तो फिर पता कीजिए इंस्पेक्टर, और मुझे पूरी रिपोर्ट दीजिए, और इस बार मुझे लगा कह के काम मत चलाइए, समझे या समझाऊं? जी सर। यहाँ पे तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। बदला है श्री, इनमें से एक भी बच्चा वो नहीं है जो हमें कल यहाँ सिग्नल पे दिखा था। अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इनमें से एक भी बच्चा वो नहीं है जो कल यहाँ था। मतलब कोई है जो इनसे धंधा करवा रहा है, और उसे पता चल गया है कि हम इस चीज की छानबीन कर रहे हैं। समझ गए तुम कौन हो? तो आपकी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? जी हाँ सर, खासतौर से सड़क के और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर में फंसे हुए बच्चों को बहाल करने के लिए, यानी रिहैबिलिटेट करने के लिए। आप उस बच्चे से ट्रैफिक सिग्नल पे क्या बात कर रहे थे? राजू के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था सर। आप राजू को कैसे जानते? काफी समय से जानता हूं सर। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हमारी एनजीओ से अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही थी, उसमें वो अपने दोस्त के साथ आया था। बस सर, आखिरी बार राजू को मैंने वहीं देखा था। और हां सर, कल रात बच्चों के हेल्पलाइन पे राजू का फोन आया था सर, वो काफी घबराया हुआ था। हेलो अंकल, मैं राजू बोल रहा हूँ, अंकल मेरी मदद करो, अंकल मुझे मार डालेंगे वो। बेटा तू शांत हो जा, कहाँ है तू? वो तुम्हें मारना चाहता है। हेलो हेलो राजू, हेलो। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनसे कहूंगा क्या। कहते मुझे तक नहीं पता था कि राजू है कहाँ। कितने बजे फोन किया था उसने? सर 11 बजे। हेल्पलाइन का टाइमिंग सर मेरे शिफ्ट का 10:30 से 12:30 तक होती है, उसके पहले नितिन है। राजू मेरी गाड़ी के आगे 11:10 पे आया था, मतलब उस वक्त मुझे कॉल करके भाग रहा है। क्या एक ही कॉल किया था उसने? नहीं सर, मेरे शिफ्ट में तो उसका कोई फोन नहीं आया था, और शायद मेरे शिफ्ट से पहले भी नहीं। राजू का कोई परिवार या फिर उसका कोई जानने वाला? नहीं सर, वो अनाथ था सर, वो सड़क से पला बड़ा, काफी बुरी जिंदगी देखा है सर उसने। इसको जानते हैं आप? सर ये तो राजू के साथ 25 तारीख को आया था। इसका नाम शायद बबलू है। मेरी मदद करो साहब, वो अंकल मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने मेरे दोस्त बबलू को भी मार डाला। क्या बबलू भी सड़क पे ही काम करता था? नहीं सर, ये किसी घर में नौकर था, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। मतलब सर, राजू और बबलू हमारे अवेयरनेस ड्राइव में आए थे, उस वक्त बबलू के हाथ पर सर चोट के निशान थे। बेटा ये चोट कैसे लगी? वो मैं सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिर गए? तो उसने सर कुछ टालमटोल सा जवाब दिया, लेकिन फिर भी सर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आई, तो वो जहां पर काम करता था मैं वहां का पता निकाल लिया, और मैं खुद वहां पर जाकर बात करने ही वाला था। क्या बबलू भी अनाथ था? जी नहीं सर, वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पालम का रहने वाला था। बाप शराबी है और माँ को टीबी, और हमने पता किया तो पता चला कि उसके घर में पहले से ही 3 बच्चे थे। गरीबी की वजह से वो उन्हें पाल नहीं पा रहे थे सर,
इसीलिए उन्होंने बबलू को बेच दिया और तभी बबलू को शहर लाया गया क्योंकि उसी की आमदनी से उसका घर चलता था। उसके घर का पता चाहिए मुझे, उसके घर वालों को उसके कत्ल की इत्तला देने और एक मासूम बच्चे का सौदा करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जी, मैंने उन्हें संपर्क करने की काफी कोशिश की लेकिन पता चला कि परिवार गांव छोड़ के जा चुका है। अब फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे उसे। और बबलू जिस घर में काम करता था मुझे उस घर का पता भी चाहिए। अगर बचपन का भी सौदा होने लगा तो इस दुनिया में मासूमियत के नाम पे बचेगा क्या? बबलू एक घर में नौकर था और कल रात को किसी ने बेरहमी से उसे मार डाला। इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह राजू, उसका दोस्त जो सड़क पे पला बड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए या तो कहीं छुप गया है या कहीं भागा हुआ है और इस वक्त वो कहीं भी हो सकता है। उसे ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है, इसके पहले वो कातिल राजू तक पहुंचे हमें उसे ढूंढ के पकड़ना होगा। श्री सतीश की एनजीओ की हेल्पलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो राजू ने जहां से कॉल किया था कि उस जगह को पता चल सकता है। रेचो राजू मेरी गाड़ी के सामने 11:10 पर आया, कॉल 11 बजे की थी। हेलो, 10 मिनट में ज्यादा दूर से भाग के नहीं आ रहा होगा वो, चेक करो श्री और जल्दी। छोटे राजन सर, हम लोग उस घर में चलते हैं जहां पे बबलू काम करता था, पता करते हैं कि उसके हाथ से वो चोट के निशान कैसे हैं। अगर वो लोग उसे मारते पीटते थे तो वो उसे और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। लेट्स गो। हाँ, बबलू हमारे ही घर में रहता है और यही काम भी करता है लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरों की तरह नहीं रखा, उसे तो हमने हमेशा अपने बच्चे की तरह माना है। लेकिन कल एक अजीब बात हुई, कल कुछ बिना बताए ही वो यहां से गायब हो गया। ये आपका बेटा है? जी हाँ। उसकी उंगली पे ये चोट कैसे लगी? 2 दिन पहले गार्डन में खेलते हुए फिसल गया था। कितने बजे? यही कोई 5:30 से 6 बजे होंगे। क्यों? अपने बच्चे की छोटी उंगली पे लगी एक छोटी सी चोट आपको याद है, आपने उसका इलाज भी करवाया, आपको यह भी याद है कि वो चोट कितने बजे लगी थी। लेकिन बबलू, जिसे आपने कहा कि वो आपके बच्चे जैसा है, उसके शरीर पे इतने सारे घाव के निशान थे, वो आपको कभी भी नहीं दिखे। कमाल है मिसेस तनरेजा। उस बच्चे का घाव ना दिखना, उसकी रिपोर्ट तक नहीं करना, इस सब के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि वो रिपोर्ट आपको करनी नहीं थी क्योंकि वो घाव आपने खुद उसे दिए थे। देखिए, हम वैसे लोग नहीं है, वो तो बस उसे काम सिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए इतना करते भी तो थे, खाना कपड़ा रहने के लिए ऐसा घर, क्या कमी थी उसे यहाँ पर? लेकिन उसने बदले में हमें क्या दिया? भाग गया, वो भी बिना बताए। गनीमत है कुछ चुरा कर नहीं भागा, वरना हम उसे कहाँ ढूंढते बैठे। और अब अगर उसे लगता है ना कि वो यहाँ आ जाएगा वापस, वो वापस नहीं आएगा मिसेस तनरेजा। रात को किसी ने उसका खून कर दिया। कत्ल हो गया? कैसे? जब आपके जुल्मों से तंग आकर वो भाग रहा था। अगर बबलू के बारे में आपने एक भी बात हमसे छुपाई ना, तो इसका मतलब हम यही निकालेंगे कि आप भी उसके कत्ल में शामिल थी। नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी की काम वाली है गंगाबाई, वो बबलू को यहाँ लाई थी। इस गंगाबाई से बात करनी है। एक माँ होकर एक छोटे से बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती हैं? उसकी खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र में उसे अपने घर पे काम करवा रही है? मिसेस तनरेजा, ये जुर्म भी है और जुल्म भी। सुनो बेटा,
लोकल पुलिस से कहो कि तनरेजास को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम के जुर्म में गिरफ्तार करे। यस सर। पर क्या आपको लगता है कि इनका बबलू कतल से कोई कनेक्शन है? नहीं, अगर कोई कनेक्शन होता तो ये गंगा को कभी नहीं बता दे कि बबलू गायब है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।